हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्री एनवेलप एंड कॉम्प्लेक्स एनवेलप। तो अगर प्री एनवेलप की बात करें तो क्या होता है हमारा प्री एनवेलप? तो प्री एनवेलप होता है मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बैंड पास सिग्नल। अगर हम बैंड पास सिग्नल्स देखें तो क्या होता था कि जो ऑरिजिन के अलावा कहीं और सेंटर्ड हो वैसे सिग्नल्स को हम क्या कहते थे, बैंड पास सिग्नल। तो प्री इन्वेलप्स दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव प्री इन्वेलप एंड नेगेटिव प्री इन्वेलप। तो पॉजिटिव प्री इन्वेलप्स को हम डिनोट करते हैं एक्स प्लस टी से, और वो होता है एक्स टी प्लस जे एक्स कैप टी। अब एक्स कैप टी होता है एक्स टी का हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्मेशन। तो अगर आपको प्री एनवेलप अच्छे से समझना है तो आप पहले हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्मेशन के वीडियो प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। तो अगर हम फूरियर की बात करें, फूरियर ऑफ एक्स प्लस टी, तो क्या होगा, एक्स टी का फूरियर क्या होगा, कैपिटल ऑफ एक्स एफ प्लस जे। एक्स कैप टी का फूरियर क्या आया था, कैपिटल ऑफ एक्स एफ इंटू एच एफ, और एच एफ क्या था, माइनस जे सिग्नम एफ। अगर हम एच एफ की वैल्यू यहां पुट कर दें तो क्या हो जाएगा, एक्स एफ प्लस जे और एक्स एफ माइनस जे सिग्नम एफ। तो जे जे क्या हो जाएगा, माइनस जे स्क्वायर। जे और माइनस जे क्या होगा, माइनस जे स्क्वायर, एंड जे स्क्वायर क्या होता है, माइनस वन, तो प्लस वन हो जाएगा एक्स एफ और क्या होगा, सिग्नम एफ। तो अगर एक्स एफ कॉमन ले क्या मिलेगा हमें, वन प्लस सिग्नम एफ। अगर फ्रीक्वेंसी पॉजिटिव हो तो सिग्नम एफ की वैल्यू क्या होगी, वन होगी, वन प्लस वन टू, तो हमें क्या मिलेगा, टू ऑफ एक्स एफ। फ्रीक्वेंसी जीरो हो तो फ्रीक्वेंसी जीरो पे सिग्नम एफ क्या वैल्यू होता है, जीरो, तो वन प्लस जीरो वन, तो क्या मिलेगा, एक्स एफ। और फ्रीक्वेंसी लेस देन जीरो की बात करूँ तो सिग्नम एफ की वैल्यू क्या होगी, माइनस वन, माइनस वन और प्लस वन जीरो हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। तो ये इसके रिस्पांस है। अगर नेगेटिव प्री एनवेलप की बात करें तो वो क्या होता है, एक्स माइनस टी एक्स टी माइनस जे एक्स कैप टी। तो क्या होगा अगर फूरियर की बात करें, तो फूरियर ऑफ एक्स माइनस टी कैपिटल ऑफ एक्स एफ माइनस जे एक्स कैप टी का क्या होगा, फिर से एक्स एफ इंटू एच एफ, और एच एफ हमारा क्या था, माइनस जे ऑफ सिग्नम एफ। तो माइनस जे और माइनस जे प्लस जे स्क्वायर सिग्नम एफ एक्स एफ आएगा। तो क्या हो जाएगा ये, एक्स एफ प्लस जे स्क्वायर का क्या हो जाएगा, माइनस वन एक्स एफ इंटू सिग्नम एफ। अगर हम एक्स एफ कॉमन ले ले क्या मिलेगा, वन माइनस सिग्नम एफ। अब अगर इसकी हम रिस्पॉन्स देखें तो क्या होगा, अगर फ्रीक्वेंसी पॉजिटिव है तो क्या होगा, सिग्नम एफ की वैल्यू वन, वन माइनस वन क्या होगा, जीरो, तो क्या मिलेगा मुझे, जीरो। अगर एफ इजकल टू जीरो है, फ्रीक्वेंसी जीरो है, तो ये क्या होगा, सिग्नम एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, तो वन माइनस जीरो वन, तो क्या मिलेगा, एक्स एफ। और अगर एफ पॉजिटिव है, एफ नेगेटिव है, तो क्या मिलेगा, माइनस वन और माइनस वन प्लस वन, वन और वन टू, तो टू एक्स एफ मिलेगा। तो ये था हमारा पॉजिटिव प्री एनवेलप एंड नेगेटिव प्री एनवेलप। तो किसी भी हम बैंड पास सिग्नल्स को रिप्रेजेंट करते हैं, एस टी इजकल टू एस आई टी कॉस
ओमेगा नॉट टी माइनस एस क्यू टी साइन ओमेगा नॉट टी से, जहाँ एस आई टी क्या होता था, इन फेज कंपोनेंट होता है, क्या होता है, इन फेज कंपोनेंट। और एस क्यू टी क्या होता है, क्वाड्रेचर कंपोनेंट, क्वाड्रेचर कंपोनेंट। और ओमेगा टी क्या है, हमारा ओमेगा टी जो है वो कैरियर फ्रिक्वेंसी है, कैरियर फ्रिक्वेंसी। तो हम कॉम्प्लेक्स इन वेलप को डिनोट करते हैं एस सी ई टी से, और वो होता है हमारा एस आई टी इन फेस कंपोनेंट प्लस जे एस क्यू टी क्वाड्रेचर कंपोनेंट। ये हमारा क्या होता है, कॉम्प्लेक्स एनवेलप होता है, एस सी ई टी होता है। तो अगर आपको इन फेस कंपोनेंट पता हो और क्वाड्रेचर कंपोनेंट पता हो तो आप कॉम्प्लेक्स एनवेलप क्या लिख सकते हो, एस आई टी प्लस जे एस क्यू टी। अगर कॉम्प्लेक्स एनवेलप गिवेन हो और हमें बैंड पास लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, एस टी जो होगा वो होगा रियल ऑफ एस सी ई टी कॉम्प्लेक्स एनवेलप इंटू ई टू द पावर जे ओमेगा नॉट टी। ये हमारा क्या होगा, बैंड पास सिग्नल। तो ये था हमारा कॉम्प्लेक्स एनवेलप। अगर आपको वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।